मम्मी आप तो शरीफ बन रहे हो। शरीफ की बात ही देख, मेरे पियर वाले भी देखते ही होंगे ना, घर वाले भी। नेवर हैव आई एवर डन एनीथिंग इलीगल। मैंने तो करी है इलीगल। क्या करी है? हेलो जी यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आल्सो वेलकम टू अनदर चैलेंज वीडियो। तो आज का जो चैलेंज वीडियो है, जैसे कि आप लोगों को टाइटल देख के पता चल ही गया है कि आज का जो चैलेंज वीडियो है वो उसका नाम है नेवर हैव आई एवर। हाँ, नेवर हैव आई एवर। और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम आंसर करेंगे, ठीक है? मजा आएगी आज तो। मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है गाइस, ये क्या करने वाली है आज। हाँ चलो ठीक है, मेरे को भी नहीं पता कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ। बैठ गए हम तो नेट के सामने, नेट से लेंगे क्वेश्चंस और उनको करेंगे हम आंसर। तो हाँ, ये हमारे हमने ये बोर्ड बनाया, मतलब मैंने ये बोर्ड बनाया। आई हैव एक जगह लिखा है दोनों के एक एक, आई हैव और पीछे आई हैव नेवर। तो इनके सहारे हम जो है आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी नकल के। वो तो हम करते ही नहीं है ना। गाइस मेरे को कुछ भी पता नहीं है एबीसीडी की, इसमें ये क्या आप लोग क्या लगता है मैं चीटिंग करती हूँ? नहीं भाई, मैं भी नहीं करती चीटिंग। चलती को भरोसा नहीं है मेरे पे। मेरे को इसने ये दे दिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चल बताऊँ आपको दो तीन आंसर? बताना नहीं, देखो हमें तो तैयार है चीटिंग करने के लिए। चलो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है कि नेवर हैव आई एवर बंक माई स्कूल। नेवर हैव आई एवर बंक माई क्लास। ये तो मैं तेरे को पूछ रही है, तू मेरे को पूछ रही है? ये अपन दोनों के लिए सवाल है। मेरे को पूछ रही है, मेरे को आज के 20-25 साल पहले मैं स्कूल गई थी, वो मेरे को याद थोड़ी है कोई। 30 साल? हाँ 30 साल हो गए। आपको क्या लग रहा है 20-25 साल होने से पहले याद है कि मैंने बंक मारी या नहीं मारी? कैसे बताऊंगी मैं? हेलो नाना, याद भी नहीं है। हाँ नाना से पूछ सकती, नाना नानी से पूछ स्कूल गई या नहीं गई तो पूछ। चल पूछ ले, लगा सकती है आराम। क्या पूछो? मम्मी ने कभी बंक मारा कि तो पापा तो बोलेंगे स्कूल गई नहीं। तूने कभी बंक मारी क्या, ये बता। ये तो आप बताओ। हाँ आई हैव। बता। ऑब्वियसली मतलब स्कूल जाने के बाद में क्लास तो बंक नहीं मार सकते, मारी हालांकि मैंने, पर क्या कहते हैं स्कूल जाते ही नहीं थे फिर अगर छुट्टी रखनी होती थी। नहीं 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 गाइस मैं बताती हूँ, एक बार छोटी सी थी ना तो इसकी इच्छा नहीं थी, तो धीरे धीरे स्कूल गई कि गेट बंद हो जाए, फिर वापस आ जाती है। हाँ। बोले मम्मी गेट ही बंद हो गया, अब क्या करूं बताओ। सारे बच्चों को टिप्स आई है। हाँ। धीरे धीरे ऐसे गई थी स्कूल की गेट बंद हो जाए। जो शहरों में होते हैं उनके तो बस वगैरह आती है। नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ बिना बस के भी नहीं, तो धीरे धीरे भी चल जाते हैं। धीरे धीरे पैदल जाते हैं उनके लिए काफी फायदे वाला है, पर जिन लोगों की स्कूल बस आती है वो बेचारे स्कूल जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर चीटेड इन योर एग्जाम्स? मैंने चीटिंग की करी कभी नहीं, मैंने चेहरे पे दिख गया चीटिंग करते ही नहीं थे। जो आता था वो चोर की दाढ़ी में तिनका। तू बता अब क्या? ऑब्वियसली आई हैव। मैंने कभी भी चीटिंग नहीं करी है। जितने नंबर आए उतने ठीक है, नहीं आए उतने ठीक है, पर चीटिंग तो नहीं करते थे हम। आई हैव चीटिंग करी है, करती थी ऑब्वियसली। पास ही चीटिंग कर करके हुए हैं, वरना तो मैं पास ही नहीं होती। टेंथ की बात अलग है, 11th में क्या होगा। बोर्ड में नहीं करी मैंने चीटिंग बस। ठीक है, नेवर हैव आई एवर टेकन मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। जबकि मैं मतलब मैंने अपने पेरेंट्स से कभी ऐसे, आपने अपने पेरेंट्स से, अपन ने अपने पेरेंट्स से कभी ऐसे मनी लिया कि अपन ने उनको बोला कि हमको ये चाहिए पर अपन ने कहीं दूसरी जगह दूसरी चीज ले ली पैसे? नहीं कभी नहीं करा। नहीं हमारे, आई हैव नेवर। मतलब चाहिए वो उसको उनको बोल देते थे भाई इसके लिए चाहिए। हाँ सेम। आई हैव नेवर मतलब हमारे हाँ, मतलब क्या सिस्टम है, हमारे कैश का काम ही नहीं पड़ता हमारे। मैं मतलब जहाँ कैंपस में रहते, हमारे बचपन से लेके अभी तक कभी कैश का काम पड़ा ही नहीं। जो भी काम मतलब घूमने फिरने गए, खेलने कूदने गए, शाम को पापा के कार्ड से करवा हाँ, के आ जाओ, और पता हाँ, भी नहीं चलता कितने कट्टे कितने क्या, बस कार्ड से करवा के आ जाओ। घर पे आके बोल देती ये खा के आ गई मम्मी। हाँ तो कुछ भी सामान वाना तो बस उससे चलता, हमेशा से ऐसा हुआ है, तो कभी जरूरत नहीं पड़ी कैश का। तो यूजुअली कभी काम बहुत कम, रेयर केस में काम पड़ा है। और जब अब कैश का काम, जैसे अब बड़े हुए हैं अब कैश का काम आने लग गया है बाहर, पर अब क्या होता है जीपे वगैरह कर देते हैं तो फिर से कोई कैश का काम नहीं पड़ता। सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवर हैव आई एवर डन एनीथिंग
दैट माई पेरेंट्स सेड नो फॉर. क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज़ करी है जिसके लिए अपने पेरेंट्स ने अपने को मना कराओ? क्या मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ करी है जिसके लिए आप लोगों ने मेरे को मना कराओ? या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ करी जिसके आपके पेरेंट्स ने आपको मना कराओ? करिए आप जैसे छोटे थे तो मना करते ही थे भाई ये मत. हाँ मतलब ऐसी कोई बड़ी चीज में नहीं करा, मतलब कोई बड़ी चीज हुए तो और मना कर दिया कि नहीं भाई नहीं, तो फिर नो इज नो. बाकी ऐ छोटी मोटी मस्ती वस्ती में चलता है. मम्मी आप शरीफ बन रहे हो. शरीफ की बात नहीं देख रहे, मेरे पियर वाले भी देखते ही होंगे ना, घर वाले भी देख के बता ही देंगे. मम्मी घर वाले कमेंट्स करके बताओ, कमेंट्स करके करके बता देना भाई अगर मैंने जो भी किया है. मेरे घर वाले जो भी देख रहे हैं वो बता देना बस, ठीक है. और तेरे घर वाले जो देख रहे हैं वो बता देंगे. मैं तो मेरे तो क्या, मैं तो शरीफ ही हूँ बचपन से ही, नहीं हूँ क्या? चेतनी तो नहीं करती. ये लो 500. Never have I ever regretted something that I did. क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ करी है जिसको बाद में आपको पछतावा, क्यों रही और नहीं करना चाहिए था? हाँ कभी किसी को बोल देते हैं जब यूँ लगता है अरे यार फालतू ही बोला, अरे छोड़ो यार. बोलने में तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता, जैसे किसी को सामने से या कोई बात भी हो जाती है किसी से तो किसी को ऐसे बोल देते हैं तो लगता है कि अरे यार छोड़ो. अच्छा मुझे तो नहीं लगता. अच्छा तो डायरेक्ट बोल ही देती. हाँ बोला है तो हाँ भाई ज़्यादा मारती हूँ मैं किसी को. सेम अब हाँ. अच्छा एक तो जो लोग मेरे को जानते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर मारती हूँ. भाई वो मम्मी से आई है मेरे में क्वालिटी इग्नोर मारनी. मम्मी अपन बोर्ड्स का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे. रिग्रेटेड समथिंग दैट आई डिड, आई हैव नेवर. मैंने तो नहीं करी कभी किसी को बोली. अगर मैंने किसी को बोला तो दे डिजर्व दिस. कुछ अगर मैंने किसी को बोला है तो ठीक है. मजाक से हटके. Never have I ever done anything illegal. बताओ. आपने कभी नहीं करी कोई भी चीज़ illegal? मैंने तो करी illegal. क्या करी है? अब illegal है तो बता नहीं सकते. ये बातें बताई नहीं जाती. ठीक है. मतलब ऐसे ही illegal मतलब बिना हेलमेट के स्कूटी चलाना ऐसे. ये तो आपने और अभी छोटी छोटी सीख के 18 से पहले स्कूटी चलाना. पर अब मैं चलाने नहीं देती हूँ गाइस. हाँ तो सीख इतना इल्लीगल बता सकती हूँ, उसके अलावा इल्लीगल बता नहीं सकती. थोड़े से आगे आगे चला लेती है पर मैं चलाने नहीं देती हूँ. हैं स्कूटी जैसे इसने सीखा है पर मैं चलाने नहीं देती. सीखने के लिए जस्ट इन केस कभी कोई काम ही पड़ जावे तो आनी चाहिए. एक बार की आनी चाहिए कि हाँ एक बार बिना लाइसेंस के जैसे मत चलाओ, मना कर देती हूँ बस. ये छोटी सी तो है इल्लीगल चीज़, बाकी बाकी नहीं बता रहे चलो. क्योंकि इलीगल है. ठीक है इलीगल ही करें सारे काम, लीगल कभी नहीं करा कुछ भी काम. ठीक है. नेवर हैव आई एवर टोल्ड अ लाई दैट क्रिएटेड समथिंग बिगिन. मतलब अपन ने कभी कोई ऐसा झूठ बोला है क्या जिससे कोई मतलब कोई बड़ा कारनामा हो गया हो, कोई बड़ा कांड हो गया हो? आई हैव नेवर. मतलब इतनी हैपनिंग ही नहीं है मेरी लाइफ. इतनी हैपनिंग ही नहीं है मेरी लाइफ की. इतना शुरुआत है क्या बोलेगी वही. सामने कुछ तो रहा हो जिससे कोई कांड हो गया हो. नहीं करा घर पे तो रोज होते हैं कांड. कोई कांड नहीं होते. क्वेश्चन खत्म हो गए. खत्म ही हो गए. नेवर हैव यू एवर टोल्ड नहीं तो हो गया चलो. हैव यू एवर बीटन समवन इन स्कूल और इन पब्लिक? आप पहले बताओ आपने कराई कि नहीं कभी? आपने कभी किसी को ठोका भी नहीं है? नहीं नहीं क्या? आई हैव नेवर. नहीं ठोका आपने? ऐसी बदमाशी करते ही नहीं थे पहले तो ऐसे. हमारे टाइम कुछ आपने कभी नहीं ठोका? आप भी कुछ हेलो विष्णु भैया. अपने को मारनी पड़ती थी बचपन में. बच्चों को तो मारते ही थे बाकी. तो बच्चों को तो मारना ही पड़ता है पब्लिक में. मेरे को एक इंसिडेंस याद है अपन मतलब मेरा नहीं है ये इंसिडेंस. मेरा नहीं है, मैंने भी मारा है लोगों पर. मैं एक इंसिडेंस है कि अपन हमें ट्रेन से जा रहे थे मुंबई में. मुंबई जा रहे थे अपन ट्रेन से. तो मैं बहुत ज्यादा शरारत कर रही थी. भैया ने एक खींच के थप्पड़ लगा दिया था. भैया तो लगा था इसका. बचपन की बात है, पहली क्लास में थी शायद, ट्रेन में थे पूरे डब्बे में सब लोग थे. भैया ने एक खींच के लगाया मेरे थप्पड़. आज तो याद है यार वो थप्पड़. ये हुआ है. बाकी आई है बचपन में तो मैंने बहुत मारा पीटी करी. नहीं बच्चों से तो लड़ाई झगड़ा तो होते ही रहता है. हाँ तो वही हुआ गार्डन में सबके सामने मार रहा. गार्डन है हमारे सामने तो खेल गार्डन में खींच के लाफे लगाना झगड़ा होता था वो तो बचपन में. स्कूल में भी सब बच्चों के होते ही रहते. ठीक है
मतलब आपने भी मारा ही होगा कभी किसी को? नहीं मारा, वो याद नहीं है आज के कितने साल पहले की बात है, कहाँ याद किसको मारा किसको नहीं मारा। अभी समझदार होने के बाद में तो अपने बच्चों को भूल जाना चाहिए, मार मुरा के भूल जाना चाहिए। हाँ ठीक है। हैव यू एवर स्टोलन समथिंग? क्या आपने कभी कोई चीज चुराई है? आई हैव। तूने क्या चुराई? पेन। लोगों के पाउच में से। गाइस मैंने भी चुराई है भाई। मम्मी ने तो बहुत बड़ा घपला करा था, बैंक रॉबरी करनी हमने, बैंक रॉबरी। बहुत पुरानी बात है पर अब क्या बताए, बताओ नहीं नहीं बतानी पड़ेगी। बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। हम लोग सबसे पहले मैं फ्लाइट में बैठी थी, जबकि बात बताती हूँ। उसमें क्या मैगी देते थे, मैगी के साथ एक फॉग भी देते थे फ्लाइट में। वो फॉग लेके आ गई घर पे। मेरे को तो पता है इसलिए हंसी नहीं आई, काफी फनी चीज है ये। चोरी हो गई एक तरह की, और क्या है, चुरा के लाना वहां के ले आया, पर उनको सबमिट करने के बजाय में डालनी थी तो वो लेके आ गई। मतलब ये बात है, बहुत पुरानी बात है, कितने साल, सबसे पहले जैसे फ्लाइट में बैठी थी मैं, जेट एयरवेज के हमारे पास फोर्क पड़ी है, जैसे मैगी दी थी उसके साथ में। ठीक है, मतलब चुराई तो है ही, खैर वो ही चुराना, बाकी वैसे और कुछ ही नहीं चुराना करना, ऐसे गंदी आदतें करते ही नहीं थे हम लोग। अच्छा, बहुत शरीफ थे भैया। मेरे कजन्स ने एक बार लिपस्टिक चुराई थी मॉल से। कजन की बात भी बता रही, अपन दोनों की बातें हो रही है ना। मुझे भी उस चीज में शामिल होना था। अच्छा। पर मैं हो नहीं पाई। नेवर हैव आई एवर फेक्ड सिक, मतलब क्या आपने कभी, नेवर हैव आई एवर फेक्ड सिक, मतलब क्या आपने कभी ऐसे झूठ बोला है कि नहीं मैं तो बीमार हूँ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरी पूरी जिंदगी यही बोलने में आई हैव। मेरी पूरी जिंदगी, मतलब स्कूल में हर छुट्टी के लिए मैंने बोला कि भाई बीमार है। एग्जाम के पहले दिन बोल दी थी, आज तो मेरी सर दर्द हो रहा मम्मी। अभी तक टेंथ क्लास तक मैंने बोला है कि हाँ जुकाम है, बुखार है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। ये तो बहाना चलते ही ना स्टूडेंट लाइफ में, हमने भी किया होगा पर याद नहीं। I have बोलना चाहिए। Yes, I have. Never have I ever returned something after I wore it. I have. आपने क्या कभी कोई चीज रिटर्न करी है आप पहनने के बाद में? पहनने के बाद में आपने कोई चीज भिजवाई है वापस? I have never. मैंने तो करवाई है रिटर्न भाई, अमेज़न मिंत्रा से। हाँ एक ड्रेस करवाई थी ना तो मैं पहन ली, पिंक वाला टॉप याद नहीं है, फुल स्लीव वाला। वो रिटर्न करवाया था, मेरे पापा रिटर्न नहीं करवाने देते। पापा रिटर्न ही नहीं करवाने देते, मतलब बेचारे लेके आते हैं यार, तुम लोग वापस देते हो, जैसा है वैसा रख लो बोलो, या तो मंगवा ही मत, नहीं पसंद आ रहा तो। और मंगवा लिया तो वापस रिटर्न नहीं करते, किसी को दे दो, गिफ्ट कर दो या घर पे रख लो, पर रिटर्न मत करवाओ। तो ये सिस्टम है, तो एक बार हुआ है ऐसा, एक बार ही मौका मिला। नेवर हैव आई फॉट समवन इन पब्लिक। क्या आपने कभी किसी से लड़ाई करी है पब्लिक में? तो आप चिल्ला दी हो कि भाई अरे भाई क्या, पब्लिक में तो नहीं है ऐसी कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं करी कभी, मतलब ऐसे रस्ते में पकड़ी की घुसंडे पे घुसंडे तो आज तक नहीं दिए। आई हैव नेवर, मतलब क्या कहते हैं मम्मी आपने करी है आपने लड़ाई, मेरे को याद है। कब बोलो? आई हैव नहीं, क्यों पहले आई हैव तो बोलो, अब मैं बताती हूँ। मैं बोला मम्मी जयपुर में बात है अमेर फोर्ट की, ठीक है, वहाँ पे है ना एक शीशा लगा हुआ रहता है, उसके सामने सब लोग फोटो खिंचवाते, तो उस टाइम पे क्या बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोगों को जल्दी थी, तो उन लोगों को बोला हटो हटो हटो, हम लोगों को खिंचवाना है। मैं भैया पापा तीनों साइड में खड़े हैं लाइन में कि भाई चलो एक एक करके सब लोग फोटो खिंचवा रहे, वेट कर लेंगे कोई बात नहीं। बहुत अच्छी फोटो आ रही थी वहाँ से, सब लोग खिंचवा रहे थे। मम्मी चिल्ला दी वहीं पब्लिक में, बोले हट जाओ हम पहले से खड़े हैं, हम खींचेंगे फोटो। तो फिर ऐसे करके हमने फटाफट फोटो खींचा, लड़ाई तो नहीं थी। हाँ वो थोड़ी बहुत बात हो गई थी कि हम लोगों को खींचने दो फोटो, हम लोग लेट हो रहे हैं, जैसे कब के खड़े हैं, तो ये तो बोलना ही पड़ता ना, नहीं तो इतनी पब्लिक में खड़े रहो कुछ ही नहीं है फिर तो पूरी रात। एक और इंसिडेंट याद है, क्या कहते हैं मम्मी, अपन दोनों जयपुर जा रहे थे एक दिन, अपन दोनों की जो सीटर क्लास होती है AC में थी अपनी शायद सीट, तो हम दोनों बैठे थे और तीसरी सीट, तीनों सीट भरी हुई थी, एक कोई विंडो की सीट पे, विंडो साइड में कोई और थे, फिर मम्मी थी और फिर मैं थी। एक एक आंटी आती है मोटी सी, बोलना नीचे ऐसा, पर एक आंटी आती है थोड़ी हेल्दी सी, वो आके कहती है कि आप थोड़ा उधर खिसक जाओ मेरे को भी बैठना है। वो आंटी आती है, उनका रिजर्वेशन नहीं था, तो मम्मी पता है क्या कहती है, सब डब्बे के सामने कह देती है कि मैडम जी अगर आप बैठ गए तो हम दोनों कहाँ बैठेंगे। मम्मी ऐसे बोली यार, और मम्मी पर ऐसी बातें अपने को इंटरनेट पर बोलनी नहीं चाहिए।
लोग क्या देंगे कि तुम बॉडी शेमिंग करते हो. बॉडी शेमिंग नहीं कहते, जनरल जो हुआ के समाचार में वो बता रहे हैं. गाइस दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस चैलेंज वीडियो. आई होप यू लाइक डेट. इसका अगर पार्ट टू चाहिए तो बताना, कमेंट्स करके बता देना क्वेश्चन क्या क्या उनमें से ले लूँगी, है ना, फिर नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग चाहते हो तो. सो या दैट इज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.